जैसा कि हम सब जानते हैं कि मुंबई में ठंड नहीं पड़ती, वहीं दिल्ली में कड़क वाली ठंड पड़ती है। तो हम सबके मन में ये ख्याल आता होगा कि ऐसा क्यों है कि इंडिया में एक जगह पे ठंडी पड़ रही है, वहीं दूसरी जगह पे गर्मी पड़ रही है। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हम आज का टेम्परेचर देख लेते हैं जो दिल्ली और मुंबई में था। तो आज सुबह दिल्ली में 22 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था, वहीं मुंबई में 32 डिग्री सेल्सियस था। और रात में दिल्ली में 20 डिग्री सेल्सियस था, वहीं मुंबई में 28 डिग्री सेल्सियस था। तो अप्रॉक्स यहाँ 10 डिग्री सेल्सियस का फ़र्क है। हम सबको तो ये पता ही है, धरती जब अपने जगह पर एक पूरा चक्कर कंप्लीट कर लेती है तो दिन और रात होती है, जबकि ये सूरज का एक चक्कर कंप्लीट कर लेता है तो मौसम बदलता है, यानी पूरा एक साल होता है। आप इस वीडियो में देख सकते हो कि अर्थ अपने पोजीशन पर थोड़ी सी टिल्ट है, पर एक्चुअल में ऐसा ही होता है। और आप इसका पाथ भी देख सकते हो, ये अंडाकार है, रियल में गोल नहीं होता है, ऐसा ही होता है। जब अर्थ इस जगह पे आती है तो इंडिया में ठंडी पड़ती है, जबकि इंडिया के कुछ पार्ट में गर्मी भी पड़ती है। मैं ज़्यादा साइंस में तो नहीं जा रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ ऊपर ऊपर से बता दे रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए। तो मान लो इस ऊपर वाले पोजीशन पर दिल्ली है और इस बीच वाले पोजीशन पर मुंबई है। अगर सूरज से डायरेक्ट रोशनी आ रही है तो मुंबई पे डायरेक्ट सीधा पड़ेगी, वहीं दिल्ली पे थोड़ी कम रोशनी पड़ेगी। तो मेन वजह यही होता है कि दिल्ली में जो है ठंडी होती है जबकि मुंबई में गर्मी होती है। और ऊपर वाले पार्ट को हम नॉर्थन हेमिस्फीयर बोलते हैं और नीचे वाले पार्ट को साउथन हेमिस्फीयर। तो अभी नॉर्थन हेमिस्फीयर पे ठंडी रहती है जबकि साउथन हेमिस्फीयर पे गर्मी होती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, और अगला सवाल जो आपके दिमाग में चल रही हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा या तो एक नया वीडियो बना करके आपको समझाऊंगा। और ऐसे ही रियल फैक्ट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।